नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और ये समय है यमुनानगर की कुछ खबरों का। यमुनानगर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। छठ पूजा और अन्य धार्मिक स्थानों के लिए अब श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हरिद्वार की तर्ज पर यमुनानगर में बाडी माजरा के यमुना घाट पर सीढ़ियां और लाइटिंग का काम होगा, जिससे पूरा साल यमुना गंदी नहीं होगी और यमुना स्वच्छ रहेगी। जल शक्ति मंत्रालय ने इसका प्रपोजल तैयार किया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि समृद्धि योजना के तहत रेड़ी और फड़ी लगाने वालों को 10,000 का ऋण दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान में अपना काम गवा चुके इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने ये योजना शुरू की है। यमुनानगर के ताऊ देवीलाल हर्बल नेचर पार्क में इस साल 1,00,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों से महकेगा हर्बल पार्क। हर्बल पार्क में 350 किस्म की बेशकीमती औषधियां लगाई जा रही हैं। यमुनानगर में 3 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले, एक SBI बैंक का है, एक विष्णु गार्डन का और एक बिलासपुर का व्यक्ति है। अब यमुनानगर में 16 एक्टिव केस हो गए हैं। कई बार इंसान इतनी ज्यादा मानसिक परेशानियां ले लेता है कि वो अपनी जिंदगी को भी खत्म कर देते हैं। ऐसा ही हुआ बुढ़िया गेट के पास एक 19 वर्षीय युवती के, जिसने एक जहरीला पदार्थ निगल लिया और जब उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर गए तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। आज सुबह 5 बजे हुई बारिश ने मौसम को थोड़ा सा सुहाना कर दिया। यमुनानगर वासियों को मिली गर्मी से कुछ राहत। ये थी अब तक की कुछ खबरें। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।